तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज के बारे में। ये वो डिसीजेज हैं या वो इन्फेक्शंस हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसफ़र होते हैं, और इन्हें हम STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज या वेनेरियल डिसीजेज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लामाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड जो एड्स है जिसके बारे में आप जानते हैं, काफ़ी फेमस है, जो कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV से होता है। ये कुछ कॉमन STDs हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। HIV को सबसे ज़्यादा डेंजरस माना गया है और जिसके बारे में आप चैप्टर 8 में डिटेल्स में पढ़ेंगे। कुछ ऐसी डिसीजेज हैं इसमें जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन के अलावा दूसरे मोड से भी फैल सकती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी और HIV। ये इंजेक्शन नीडल्स के शेयर करने से या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़ करने से एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे नॉर्मल पर्सन के अंदर ये हो सकती हैं। ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड अगर प्रॉपर वे में ना किया जाए, या ये मदर से फीटस को भी हो सकती हैं। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शंस के अलावा बाकी जो STDs हैं, दे आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। तो अर्ली सिम्टम्स जो हैं इन डिसीजेज के, वो माइनर हो सकते हैं और हो सकता है कि पता भी ना चले। क्या हो सकता है? जैसे इचिंग हो सकती है, फ्लड डिस्चार्ज हो सकता है, थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है जेनाइटल रीजन में। इन्फेक्टेड फीमेल्स तो एसिम्टोमेटिक तक रह सकती हैं, यानी कोई सिम्टम हो सकता है अपियर ही ना हो उनमें, और काफ़ी लंबे समय तक वो अनडिटेक्टेड रहें और बीमारी फैलाती रहें। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड सोशल स्टिग्मा अटैच टू द STDs डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फ्रॉम टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो क्या है कि लोग डरते हैं डॉक्टर के पास जाने से, अपनी बात शेयर करने से, और सिम्टम्स उनको ज़्यादा फील नहीं होते हैं, पता भी नहीं चलता उनको स्टार्टिंग में। तो कई बार क्या होता है, डिसीजेस अनडिटेक्टेड रह जाती हैं और इसकी वजह से कई बार इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट सही समय पर चालू नहीं हो पाता, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस आ सकती हैं, जिनको शॉर्ट में PID बोलते हैं। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस में कहाँ प्रॉब्लम आती है, हमारे पेल्विस रीजन के अंदर इन्फेक्शन होता है और उसमें फिर आगे चल के दिक्कतें होती हैं। एबॉर्शन हो सकते हैं फीमेल्स में, बच्चे मरे हुए पैदा हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकती है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब जो प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन है उसका, ब्लास्टोसिस्ट का, वो आइदर यूटरस की वॉल से पहले ही हो जाए, कहीं फेलोपियन ट्यूब में हो जाए या सर्विक्स के पास हो जाए। तो कहने का मतलब ये, जो प्रॉपर प्लेस है इम्प्लांटेशन की, वो यूटरस की एंडोमेट्रियम है, वहाँ पर इम्प्लांटेशन ना हो करके किसी और जोन में होने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे आप, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि डेंजरस होती है। इनफर्टिलिटी तक हो सकती है इन डिसीजेज से, STDs से, और कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। तो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, अगर बढ़ेगा तो दिक्कत ही होती है। STDs जो हैं वो सोसाइटी के लिए भी एक थ्रेट है, इनको अर्ली प्रिवेंशन कर लो, डिटेक्ट कर लो, या तो इनको रोक लो आने से, प्रिवेंशन कर लो, या फिर इनको जल्दी डिटेक्ट कर लो और इनको क्योर कर लो, तो ठीक है, नहीं तो ये पूरी सोसाइटी की हेल्थ को ख़राब करने का काम कर सकती हैं। दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शंस, देयर इंसिडेंसेस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24। तो जो यंग लोग हैं उसमें STDs का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा देखा गया है, एंड 15 से 24 तक का जो एज ग्रुप है जिसमें आप भी आते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान रहता है। बट पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रिवेंशन पॉसिबल है। तो कुछ प्रिंसिपल्स का अगर हम ध्यान रखें तो हम बच सकते हैं STDs से, जैसे कि फर्स्ट, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स। सेकेंड, ऑलवेज यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग कॉइटस। एंड थर्ड, इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कम्प्लीट ट्रीटमेंट इफ़ डायग्नोज्ड विद डिसीज। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो
आपको ये STDs जो हैं परेशान नहीं करेंगी या आप जल्दी ही अपने आप को ठीक कर लेंगे। आइए अब कुछ STDs के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गोनोरिया। गोनोरिया इज अ डिसीज विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ओके एंड द नेम ऑफ बैक्टीरिया इज नीसीरिया। ए है ये गोनोरी GONORROHOEAE नीसीरिया गोनोरी। ये नेम ठीक से नोट कर लीजिएगा। दिस इज द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गोनोरिया। पूरी दुनिया में लगभग 150 मिलियन पीपल हर साल इससे सफ़र करते हैं, उनको बीमारी हो जाती है। इन्फेक्शन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है या इन्फेक्टेड क्लॉथ से भी हो सकता है। तो मतलब ये काफ़ी आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकती है। और जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से पस डिस्चार्ज हो सकता है फ्रॉम द ऑर्गन एंड पेन हो सकता है जेनिटेलिया का मतलब एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि पेनिस है या वेजाइना है वहाँ पर। और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो ये सब दिक्कतें हैं। यूरिनेशन यानी जब आप यूरिनेट करोगे, है ना, यूरिन पास करोगे तब आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। इट में ऑल्सो कॉज आर्थराइटिस। आगे चल के अगर काफ़ी लंबे समय चल जाए ये तो आर्थराइटिस हो सकता है और रेक्टम का इन्फेक्शन हो सकता है। रेक्टम इन्फेक्शन तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आइज़ का इन्फेक्शन हो सकता है इसकी वजह से, बिकॉज ये सारी चीज़ें हैं जो डेंजरस है। तो गोनोरिया जो है वो बेबी तक में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर इन्फेक्टेड मदर हो और उससे बेबी बॉर्न हो जाए तो बेबी कुड ऑल्सो गेट अफेक्टेड। बेबी को भी अफेक्ट कर सकता है ये। उसकी आईज़ में दिक्कत हो सकती है और अंधापन आ सकता है। तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जैसे कि पेनिसिलिन है, ये इफेक्टिव पाई जाती है उस पर, एंड एम्पिसिलिन है। ये एंटीबायोटिक्स इसके ट्रीटमेंट के में दी जाती हैं जो इफेक्टिव मानी जाती हैं। हालांकि ड्रग रेजिस्टेंस भी देखा जा रहा है आजकल गोनोरिया में, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए अबाउट सम ट्रीटमेंट मेथड्स। इसके बाद एक डिसीज़ है जिसका नाम है सिफिलिस, SYPHILIS सिफिलिस। सिफिलिस जो है इट इज़ कॉज्ड बाय ट्रिपोनीमा पेलिडम। इट इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनीमा पेलिडम एंड इसका इन्फेक्शन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से क्लियरली स्ट्रिक्टली होता है। तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है एंड किसिंग के थ्रू या क्लोज बॉडी कॉन्टैक्ट से भी कभी कभी देखा गया है हो सकती है। और कुछ केसेस में तो ये देखा गया था कि मदर से फीटस को भी हो गई थी।
तो अगर मदर से फीटस को ये हो रही है तो उसको आप बोलेंगे कोजिनाइटल सिफिलिस। अगर ये मदर से फीटस को हो रही है तो सिफिलिस जो है वो इसकी वजह से जो जिनाइटल रीजन है, जिनाइटल रीजन में लेजन्स बन सकते हैं, यानी घाव बन सकते हैं, इसको घाव बोलते हैं हिंदी में, घाव आ सकते हैं, है ना। ओरल रीजन्स में भी घाव आ सकते हैं, तो अल्सर्स का फॉर्मेशन हो सकता है, छाले टाइप के डेवलप हो सकते हैं, लिम्फ नोड स्वेल होना स्टार्ट हो जाएंगे आगे चल के, लिम्फ नोड स्वेल, तो ये सब होने लग जाएगा। और उसके बाद रैशेज आ सकते हैं, फ्लू लाइक इलनेस हो सकती है, फ्लू लाइक है ना, जैसे फ्लू होता है, वायरल फ्लू होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में बुखार आता है, हमको दर्द होने लगता है पूरे बॉडी में, जॉइंट्स हमारे स्वेलन होने लगते हैं, ये सब है ना, तो ये सब हो सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें हो सकती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स तक अफेक्ट हो सकते हैं, ज़्यादा लेटर केसेस में इंटरनल ऑर्गन्स में गेट अफेक्टेड, गेट अफेक्टेड, तो मतलब ये डिसीज़ डेंजरस है। और इस डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन के अलावा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है वो इफेक्टिव पाई गई है। तो सिफिलिस भी एक काफ़ी कॉमन डिसीज़ है जो देखी जाती है होते हुए। इसके अलावा जेनाइटल वार्ट्स, जेनाइटल वार्ट्स, इसमें क्या होता है जेनाइटल वार्ट्स में, सबसे पहले तो ये समझ लो ये होती किससे है। जेनाइटल वार्ट्स जो है ये होती है ह्यूमन पैपिलोमा, HUMAN, ह्यूमन पैपिलोमा, वायरस, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HPV, ठीक है ना। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होती है जेनाइटल वार्ट, और इसकी वजह से ना एक्सटर्नल जेनिटेरिया पर वार्ट्स बन जाते हैं, यानी पेनिस पर या जो वेजाइना है उसके आसपास वार्ट यानी मस्से डेवलप हो जाते हैं, जो एग्रीगेट कर सकते हैं, यानी बहुत सारे आपस में एक साथ डेवलप हो सकते हैं, और इससे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा हो जाती है, पेन स्टार्ट हो जाता है, इवन जो है इनका सर्जिकल रिमूवल तक करना पड़ सकता है। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द वार्ट्स और सम ड्रग्स आर गिवन टू ट्रीट, मतलब ये काफ़ी बुरी सिचुएशन है। तो जेनाइटल वार्ट्स जो है वायरस से होने वाली बीमारी है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, जेनाइटल हर्प्स, जेनाइटल हर्प्स ये होती है हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस से, हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस, ये वायरस डिसीज हो गई, वायरल डिसीज हो गई, और इसमें घाव बन जाते हैं जेनिटेलिया पर, लाल रंग के छाले पड़ सकते हैं, और लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं, पेन हो सकता है, वेजाइनल डिस्चार्ज और यूरिथ्रल डिस्चार्ज कैन टेक प्लेस, हेडेक, बॉडी पेन, ओके। तो इसमें एंटीवायरल मेडिसिंस दी जाती हैं, जैसे कि कौन सी मेडिसिन ज़्यादा सक्सेसफुल है इसमें, जैसे ए साइक्लोविर, ए साइक्लोविर, ए साइक्लोविर जो है ये एंटीवायरल ड्रग है, तो ये इसमें काफ़ी इफेक्टिव देखी गई है। तो दिस इज जेनाइटल हर्ब्स। तो एक डिसीज है जिसका नाम है क्लामाइडिया, LAMYDIA, क्लामाइडिया।
क्लामाइडिया डिसीज जो है इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया विच इज़ नोन एज क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो इसमें क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया है ये हमारे यूरिथ्रल सिस्टम, हमारा जो यूरिथ्रल यूरिथ्रा है उसमें, हमारे इपिडाइडेमस में, इसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो उसकी वजह से ना येलो कलर का म्यूकस आ सकता है, येलो म्यूकस, पस आ सकता है हमारे यूरिन में, और हमें रेक्टल पेन हो सकता है, रेक्टम में पेन हो सकता है, और लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा स्वेल हो सकते हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, बिकॉज ये बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो टेट्रासाइक्लिन एक अच्छी एंटीबायोटिक है जो उसमें बढ़िया एक्ट करेगी। टेट्रासाइक्लिन कैन बी गिवन। सो एरिथ्रोमाइसिन है दूसरी, फिर एजिथ्रोमाइसिन है, ये भी दी जा सकती है। तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, एंड आई होप कि आपको कुछ डिसीजेस के नाम और उनके एजेंट्स जो हैं वो याद हो गए होंगे। थैंक यू फॉर टुडे।